टू माई चैनल। और आप कैसे हैं सब लोग? मैं तो ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे लौकी के स्वादिष्ट और पौष्टिक पराठे। सबसे पहले हमने लौकी को वॉश कर उसके बाहर के छिलके निकाल लिए हैं। उसके बाद हमने उसके जो बीज होते हैं वो निकाल के रख दिए। फिर हमने उसको पूरा कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद हम उसका आटा बनाने की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हमने एक बाउल आटा ले लिया है और उसका छोटा बाउल हमने बेसन लिया है। बेसन डालने के बाद जो हमने लौकी कद्दूकस करी है उस लौकी को हम इसमें डाल देंगे और उसके साथ दो हरी मिर्ची काट के डाल देंगे। उसके बाद हमने हरा धनिया डाला और नमक डाल दिया स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और अजवाइन और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। अब इसमें हम दो चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल से क्या होगी, पराठे बहुत सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे, हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जब हमारा पूरा ऑयल पानी हमारा मिक्स हो जाएगा लौकी का, तो उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। हाँ, हम ज़्यादा डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ये पानी डालना है। ये हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब हम पराठे बनाने की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हमने थोड़ा सा लोई ले ली है और इसको हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। अगर हम ज़्यादा जोर से बेलेंगे तो चिपकने का थोड़ा सा डर रहता है। इसे हल्के हाथों से इसको बेलने के बाद थोड़ा आटा लगा लीजिए अगर चिपक रहा है। उसके बाद इसको हम सेक लेंगे। हमने सबसे पहले तवा लिया, तवे को गैस पे चलाया, उसके बाद हमने पराठे को सेकना शुरू किया। सबसे पहले हमने ऊपर साइड पे थोड़ा सा घी लगा लिया है। इसी तरह हम दोनों साइड घी लगा लेंगे। और हाँ, अगर आपका बच्चा लौकी की सब्ज़ी नहीं खाता है तो आप इस रेसिपी को पक्का ट्राई कीजिएगा। मेरे बच्चे तो कभी लौकी की सब्ज़ी खाते नहीं, इसलिए मुझे ये लौकी के पराठे बनाना पसंद भी है और बच्चों को खिलाना भी। ये देखिए हमारा लौकी का पराठा कितनी अच्छी तरह से सिक रहा है। तो अभी इसमें बच्चों को आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और घर पे भी ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। देखिए तैयार है पराठा, इसको दही और चटनी के साथ खा सकते हैं। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में।